एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2.5 महीने हो रहे अभी। अच्छा। एक ब्रांच हमारा ऑलरेडी मिस्टर मिलेट के नामक कोंडापुर में है जी। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा हमें ये एक्चुअली एक पाथ भी दिया है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अच्छा। तो उसी कारण मैंने मिस्टर मिलेट्स कैफे आरंभ किया, जिसको मोदक आपको बोलते हैं तेलंगाना में, उसको लेकर हम मिलेट्स बनाते हैं, जहाँ से हम लोग तीन चीजें खाए, वो लीफ के कारण जो जूसेस उसमें से निकलते स्टीम के कारण, उससे कोविड और कोविड के प्रिवेंशन और क्योर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। तीसरी बहुत बढ़िया चीज इसका ये है कि ये वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट मिलेट्स इडली, हमारे कस्टमर्स बोलते हैं ये चीज, तो हम इस चीज में प्राइड लेते हैं, क्योंकि वो लीफ और जो रेसिपी हम यूज करते हैं और जिस तरीके से प्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, हमारी कॉलोनी ही नहीं पूरा हैदराबाद हमें इतना प्यार दिया। And he wants to keep him away from the cholesterol or anything which may. अरे वाह, मजा कितना निराला और अनोखा है, हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। नाइट में मैक्सिमम हम लोग यही खाते हैं। अच्छा, तो 6 महीने से यही खा रहे हैं। टेस्ट भी अच्छा है। जी जी। इन लोग ये लिस्ट में बना के रखते हैं। वेरी नाइस। बहुत क्या है, ये क्या है, ये थैंक यू। तो आपके पास डेली क्या मेनू रहता, क्या चीजें मिलते हैं? आज के मेनू रागी सब्जा कोर्रा। नहीं, गुड। इसके साथ पनीर चटनी, टमाटर चटनी, सांभर। अरे वाह, क्या बात। मिलेट। अच्छा, कैसा है टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, थैंक यू। ये है मिलेट्स केफ और यहाँ पर लिखा है वी सर्व फ्री फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड डिफरेंट डिजेबल्ड पीपल। अच्छा, तो आप लोग फ्री भी देते हैं यहाँ पर? सो अपार्ट फ्रॉम तो उधर चुके हो गए, तो आप एक तरफ कर रहे पूरे हैं, जो रखे हैं पूरे मिलेट इडली है, यानी उमूमन तो माश की दाल की इडली बनती है, लेकिन ये बाजरे की बनी है। हाँ। मिलेट की, दैट इज द स्पेशलिटी। क्या बात है। और कुछ मिलता है, डोसा वगैरह? नहीं मिलते, हम ओनली स्टीम करके इडली बेचते। अच्छा, यू मीन टू से नो ऑयल फूड? है नो ऑयल फूड। थैंक यू। टमाटर, कोथमीर चटनी, सांभर। अच्छा, सांभर, कोथमीर चटनी और फल्ली चटनी है। फल्ली चटनी। थैंक यू। खाए तो शुगर कंट्रोल आते, इजी डाइजेशन होते, बच्चों को भी ताकत आते, प्रेग्नेंट लेडीज की अच्छा फूड है। इसमें ऑयल नहीं यूज नहीं करते, कोई यूज नहीं करते, ओनली मिलेट्स, मिलेट्स के साथ बॉइल करते बेचते, ऑयल फूड इधर नहीं। अच्छा, अशोक जी, आपने बताया मिलेट के बारे में, उसका प्रिपरेशन बताया, इंग्रेडिएंट्स बताए, तो इसके साथ कोई करी या कुछ चटनी वगैरह कुछ होती क्या? चटनी देते। कौन कौन से? पल्ली चटनी, अल्लम चटनी, टमाटर चटनी, सांभर, कैबेज। अच्छा, अदरक की चटनी भी? अदरक की चटनी और कैबेज भी देते हैं। हमारे सामने एक साहब बैठे हुए हैं और वो मिलेट खा रहे हैं, बाजरा। आइए उनसे पूछते हैं, भाई साहब आप क्या खा रहे हैं? बाजरा मिलेट एंड रागी मिलेट। अच्छा, कैसा है इसका टेस्ट? बहुत अच्छा है। फ्रॉम लास्ट 6 महीने से हम लोग यही खा रहे हैं। लास्ट 10 मंथ्स? 6 मंथ्स, 6 महीने से यही खाना खा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, नाइट में मैक्सिमम हम लोग यही खाते हैं। अच्छा, तो 6 महीने से यही खा रहे हैं। टेस्ट भी अच्छा है, इन लोग ये लिस्ट में बना के रखते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है और हेल्थ एंड हाइजीन भी है। वेरी हाइजीन और हेल्थ के लिए विद होटल मैनेजमेंट थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग सच ए फैंटास्टिक रिव्यू। मिलेट्स कैफे में बैठे हुए खा रहे हैं मिलेट्स बाजरा। भाई कैसा है इसका टेस्ट?
बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट है जी। एंड चटनी और सांबर बहुत अच्छा है। एंड इट्स गोइंग बैक टू नेचुरल फूड, इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एंड इवन आई एम अ फूड लवर एंड मिलेट्स आर टेल मी लेट खा रहे हैं भाई, कैसा है इसका टेस्ट? अच्छा है, टेस्ट सुपर है। अच्छा, ये खाने का कोई रीजन बोल सकते हैं आप? वन रीजन, वो हेल्थी है, थ्री वेराइटीज दे रहा है इसमें। अच्छा, देखिए जवारी का दे रहा है, जवारी और मिलेट के साथ दे रहे हैं, वो हेल्थ वजह से भी वो अच्छा है हेल्थ के लिए, इसीलिए खा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सामने मिलेट्स केफ के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निखिलेश रेड्डी है सर जी। ये मिलेट्स कफे आप कब कायम करें? सर ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2.5 महीने हो रहे अभी। अच्छा, एक ब्रांच हमारा ऑलरेडी मिस्टर मिलेट के नामक कोंडापुर में है जी। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा हमें ये एक्चुअली एक पाथ भी दिया है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अच्छा। तो उसी कारण मैंने मिस्टर मिलेट्स कफे आरंभ किया। एंड हम लोगों ने इसीलिए प्रारंभ किया ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वहम रहता है कि मिलेट्स जो होते हैं वो नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं और बहुत देर तक पेट में रहता है। तो हम जिस तरीके से स्पेशलिटी ट्रेडमार्क जिसको हम बोलते हैं, एक लीफ जिसको मोदक आपको बोलते हैं तेलंगाना में, उसको लेकर हम मिलेट्स बनाते हैं, जहाँ से हम लोग तीन चीज़ें कायम करते हैं। एक बेनिफिट ये है कि ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो लीफ के कारण जो जूसेस उसमें से निकलते हैं स्टीम के कारण, उससे कोविड और कोविड के प्रिवेंशन और क्योर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। तीसरी बहुत बढ़िया चीज़ इसका ये है कि ये वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट मिलेट्स इडली, हमारे कस्टमर्स बोलते हैं ये चीज़, तो हम इस चीज़ में प्राइड लेते हैं, क्योंकि वो लीफ और जो रेसिपी हम यूज़ करते हैं और जिस तरीके से प्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, हमारी कॉलोनी ही नहीं पूरा हैदराबाद हमें इतना प्यार दिया है कि बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं कि हमें ज़्यादा बनाना है या बहुत सारे चटनीज ऐड करना है या सांभर ऐड करना है, तो उनके फीडबैक द्वारा हम लोगों ने इतना ग्रो किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा दिया आपने। अब आप एक सेंटेंस से बोलिए, अगर कोई आदमी पहली बार आपके मिलेट्स कफे को आना चाहता है, आप उसे क्या मशवरा देंगे? सर एक चीज़ हम ये बिलीव करते हैं सर मिलेट्स कफे द्वारा, हेल्थी एंड टेस्टी मिलेट्स। यही एक चीज़ नहीं है कि बड़े बुजुर्ग या 30-40 साल के उम्र के लोग खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हालांकि 2 या 3 साल के बच्चे भी आके खा सकते हैं। राइट फ्रॉम किड टू एल्डर पर्सन। एब्सोल्युटली सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच ए फैंटास्टिक रिव्यू। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। नाज़रीन, ये मिलेट कफे में हम खा रहे हैं मिलेट। मिलेट का मतलब होता है बाजरा। अब हम जानते हैं आखिर ये क्या है माजरा, क्योंकि नाज़रीन आज का ज़माना बिल्कुल फास्ट फूड जंक फूड लोग उधर जा रहे हैं, लेकिन हेल्दी अगर हेल्थ कॉन्शियस होकर अगर खाना चाहें तो ये मिलेट बहुत ही सेहतमंद है। क्योंकि नाज़रीन इसमें देखिए 3 चीज़ें मिली हैं, एक है बाजरा मिलेट, दूसरा सब्जा और तीसरा रागी, और तीनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। यानी हेल्थ हेल्थ आई एम हेल्थ मीन्स वेल्थ वेल्थ एंड वेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव हेल्थ यू आर हैविंग वेल्थ। तो नाज़रीन हम इसे चखते हैं। तो ये है सांभर, ये टमाटा पुदीना और यह है फल्ली की चटनी। तो हम लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अरे हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर सर्विंग द करी पॉट। मिक्स कर सकते हैं ना इसमें, और हम इसमें तड़का मिलाते हैं थोड़ा सा टमाटा पुदीना का, और ये हो गया। अब हम इसको और भी बिल्कुल रंगीन बनाते हैं और लेते हैं फल्ली की चटनी, क्योंकि इसका स्वाद बड़ा ही दोहरा होता है। और ये है फल्ली की चटनी। तो नाज़रीन ये है प्योर मिलेट जिसमें रागी और सब्जा मिला हुआ है, और इसमें सांभर है, पुदीना टमाटर की चटनी है और फल्ली की चटनी है। अब हम इसे खोलते हैं नाज़रीन, बिल्कुल ये देखिए ये पत्तों में है। देखिए नाज़रीन, आप आजकल तो पेपर में हर चीज़ पैक हो रही आ रही है, तो यानी पैकिंग भी इतनी हेल्दी है कि बयान नहीं किया जा सकता। और ये रहा मिलेट, और ये बिल्कुल गर्मा गर्म है, वेरी हॉट, इट्स लुकिंग लाइक ए हॉट केक।
उत्तम दिया नहीं पीछे। अब हम पूरी तरह निकालते हैं इसे और यहाँ बाजू डालते हैं और हम लेते हैं पहला डिप। ये है अरे वाह मजा कितना निराला और अनोखा है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जहन में रखिए बहुत ही टेस्टी है साथ में है हेल्दी है। एक और डिप लेते हैं लक्ष्य जब उतरती है ये फिर ये रिस्क जो जाता है अंदर मजा आता है क्योंकि तो नागरी आशा का हम सिर्फ गेहूं पे इतफा करते हैं चावल खाते हैं लेकिन हम बाजरे की तरफ नहीं जाते, लेकिन ये बाजरा है और इसको खाना चाहिए। और लेते हैं कहो कि वाह भाई जवाब नहीं। दिस मिलेट विच इज मिक्सड विद रागी एंड सब्जा व्हेन इट इज पुट इन टू द डिप्ड इन टू द चटनीज मल्टीपल चटनीज यू कैन से बिकॉज सांबर and pudina chutney and of course groundnut chutney they are mixed so very versatile quite a fantastic and a very exemplary taste because we used to take tiffins and other things but this is a very unique natural at the same time healthy so hats off to Millet Cafe for providing such a fantastic food thank you nazreen Millet Cafe ka ye व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़। गुड बाय।